लापिला साकिया। चलो साहब आप बैठना चाहते हैं तो आपके बताओ पैर में दाब सकता हूँ? बंसी ओ बंसी मैं बैठता हूँ, हमारे पैर दाबो। बैठिए साहब, मैं आपकी सेवा सत्कार करेंगे। कमल भैया कुछ ना दे रहे तो रुपया भिखारी के यहाँ वो जिंदा रहना वो हर कदम पर कोई का दिल है कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई का दिल है। हराम के खाने वाले उल्लू के पट्टे। अरे तुम्हारी लोगों की साली दादागिरी चल रही है इस जमाने के अंदर। तुम्हारे घर में कोई माँ और बहने हैं तो फिर पैसा पैदा करना हो तो अपनी बहन या माँ को हमारे घर पर गांव में भेज देना। इस पट्टर कर्जा से बोल देना बंसी निकल चुका है, अगर इस पट्टर माता चौध के छाती में बाल चाबा है तो बंसी का पीछा करना बल्कि निकल के बाग बनता है बल्कि तुम्हारी माँ। हेलो 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 भैया नीरज सर 50 रुपए पार्टी में व्यवहार करें भाई साहब को लाख लाख शुक्रिया। सार बहु बंसिया जम रहा है वो हमका बहुत मारी से हिंद भाग गवा। तुम साले क्या करते हो? हम मैया चुद आई रहा देखे रहा बंधेरा बना रहा मांदर चुद एर फोर्स की नौकरी करते साले नाक कटा रहे हो। नूजा साहब ये 20 रुपए भैया मार देश का दिखा साहब बहुत मारे बंसी छाड़ कह दीजिए। एयरफोर्स की नौकरी करते हो साले एक जवान को नहीं पकड़ पाए बाहर साहब बात ही नहीं। हेलो ये आ गया ज्ञानी 10 रुपया देने का साहब का धुलाई कह दो कैसे ड्यूटी करते हो।
पीछा नहीं छोड़ेगा। इस शाम में दरिया नजर पड़ते से ग्रास करके मुझे बचना चाहिए। साले बराबर बिगुल बजाते हैं मादर तने सातिर हो साले का इसके बिल माता भागो सर भागो साले तो चौकन्ना कर रहे हो साले भाग नहीं जाएगा मां तुम है कह रहा बिल्कुल बजाओ था तेरी मैया की छो दू सर अपने दिमाग पे चलो रे बहुत जल्दी के साथ आ बढ़ा पे चलो साथियों चलो चंबल की तरफ चलते हैं। बंसी कमीने तूने मेरी बहन की मेरी बहन चंपा को उठाकर कमीने तो ठाकुर की हमेली पर ले गया था। मैं राजीव खान हूं मुझे पहचान ले बंसी। आज क्या देख रहा हूं ऐसे मोड़ प्यारे की शान आ रहा है जो पाप का गड़ा मेरे पास बना जा रहा है। नहीं अजीब कान मेरे भाई जान अरे वो समय बंसी नहीं था बल्कि कोई वो दुष्ट का अवतार ले चुका था। आज मुझे क्षमा कर दे मेरे भाई जान। क्षमा नहीं करूंगा तेरी वजह से मेरी बहन की जान। मेरे भाई जान मेरे भाई सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम कहाँ थे मेरे भाई? घर में कोई नहीं बचा। अपनी माँ और भाभी कोई जालिम उन्हें गोली से मार दिया। भैया मैं आए भैया अब क्या हो? भैया अगर ये बात है तो मैं जीना नहीं चाहता हूं। जब मेरे परिवार में कोई सदस्य बचा नहीं है तो मुझे मर जाना ही ठीक है। भैया नहीं भैया हमें तुम्हें बहुत खून क्या शुरू लाया है। अब कुत्तों का रोने का समय आया है। अगर तेरी हिम्मत ही काम कर रही है तो हम तेरी हिम्मत को डबल पावर देने के लिए तेरा भाई बंसी भी जीवित है। अरे मेरी बलबुद्धि वही है निशाना वही है निगाहें वही है। शंकर प्रधान व काम का बीडीसी मेरा घर को नाश करके बर्बाद कर दिया। अगर तू बोल तो मेरे निशाने और रास्ते सभी मालूम है मेरे भैया। भैया मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं चाचा हम लोग बहुत भले के सताए हुए हैं। आप किस शरण चाहते हैं? जा तो डाकू मुझे
की जरूरत आती है और मैं अपने 10 मिनट से गिन गिन के बदले चुकाना चाहता हूँ। कि अपने ग्रोह के साथ गद्दारी नहीं करूंगा और ठाकुर से गिन गिन के बदले चुका। ये बात है तो लाओ लाओ आज हम दोनों भाई बाबू हरि की सौगंध खाएंगे कि तुम्हारे साथ कोई गद्दारी नहीं करूंगा और अपने दुश्मनों से गिन गिन के बदले चुकाएंगे। समय आया है आज से चम्मल का नारा यही लगेगा। दीवान जी सर बहुत जल्दी के साथ यानी शंकर प्रधान की हमेली तरफ पैगाम बढ़ाओ। चलिए साहब मुझे लग रहा है शायद बंसी और कामता एक मिल चुके हैं। हाँ बहुत जल्दी के साथ चलिए के कहने से हम अपने घर में हम अपने मकान में भाभी भाभी को बहू को बंसी को कारागार करवा दिया। अब जाएंगे आज हम स्वयं खुद प्रमुख बनेंगे। देखते हैं प्रधान जी क्या करते हैं पैगाम बढ़ाते हैं और आज भौसड़ी के कांता चाचा मादर चौर भारिया कोई कसर बाकी नहीं रखा घर में आग लगाने के लिए। भैया रुक जाओ ये अतनास चाचा तुम्हारा मादर चौथ भोसड़ी वाला है काम हो दोस्त तुम जुता नहीं वाला करो मगर हम चप्पल पहन तोरी
पहले इसके कपड़े खुलवा। उतारो कपड़े, समय के तीन पर नहीं होते हैं, वही बात आ गई। यहाँ बहन से दो कहत रहो, यहाँ कहत रहो, वही देखो, बताओ कामता भी, कामता भी डीसी आए रहे। डीसी, उतार कपड़े खोल, अभी तुम्हारी बीडीसी तुम्हारे पिछवाड़े खोजता हूँ। कांता बीडीसी और मैं रोता रहा, समझाता रहा, नाक संतू ने काम लिया। और मैं रोता रहा, समझाता रहा, नाक संतू ने काम लिया। और होश ठिकाने राज हुए जब हाथ में हल अब कहते हैं यही की शहर की मोटर लगे चमड़ी उग दे बौटवा के भैया। और कुछ आए हंसी कुछ रोना भी, जब कमरे को देखा तो हूं बको बको साले। और कुछ आए हंसी कुछ रोना भी, कहते यही के सारे पर जाकर बाल्टी पानी डाल के मंगवाओ। तब तो तलवार थी पीतल भी था और पात्र के गिरु तुम नहीं, तो तलवार थी पीतल भी था और पात्र के गिरु तुम नहीं। और ऐसे काम पे तो तू वंदर अब रखना अपने कमल सीतापुर की तरफ से। भैया ये 20 रुपया देन है। कहा दिया बाल्टी रहे यार भैया पानी डाल एक सर के मार भिजे के मारो। और सुनो हम तक कहते हैं एक कोना 10-20 पहले तुम कसौर भैया सर्दी लगी है। हां सर्दी पानी डाल रहा पानी डाल बोल नहीं पा रहे हैं। रुक जा तोरी बहन यौ का कल बहन तो यौ का कर तोरी बहन इमा सर्रेस लगा दे तुम्हारे खा बीडीसी। तू रिश्ते में मेरा चाचा जरूर है लेकिन भतीजे मेरी माता छोटे तबाही की
कर दूंगा, आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बीडी से कामता साले आंखों पे चर्बी भैया। चलो ले चलो सरदार जी, अभी काम एक का काम तमाम हो चुका है। तो साला मक्का ठाकुर शंकर प्रधान मेरी जान, राम करेगा सब पार हो जाएगा। जप रहो जप रहो जप रहो मेरी जान, राम करेगा सब पार हो जाएगा। कहीं हो न जाए मोहब्बत तुम्हें से, निगाहें ये कर ले शरारत तुम्हें से, मोहब्बत तुम्हें रुपट्टा रुपट्टा सरक रहा है मेरा दिल। चुदाए प्रधानी खड़ंजे का पटंजा हो गया, प्रधानी रहे या माँ चुदाए बस्ता चाहे इसी वक्त जमा हो जाए। अब चलते हैं सीधे सीतापुर, छोटी लाइन से जो है ट्रेन पकड़ेंगे लखनऊ, लखनऊ से एरोप्लेन पकड़ेंगे और सीधे चले जाएंगे, जानते हो कहाँ सीधे चले जाएंगे, काशी चलते हैं। अच्छा तू अब यहाँ क्या करने के लिए आई हो मेरी जान? ये अपने अच्छा नहीं किया, मेरी इज्जत को लूट के तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तो अब क्या कहना चाहती हो? अब तो मैं कहीं की मूल दिखाने के काबिल नहीं रही। तो क्या हुआ? अब तो यही सारा है कि आप मुझे अपनी ठकुरान बना ली। अब ससुरी ठकुराइन बनने के सपने देख रही हैं, अरमान
पूरे हो गए तब ठकुराइन बनना चाहती है। एक दिन वो था जब पैर पड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, तब मादर जो ससुरी पैर की ठोकर मार रही थी। प्रधान शंकर जिस सिंह जिस थाली में एक बार खाता है, कसम पैदा करने वाले की झूठ नहीं बोलता हूँ, जिस थाली में एक बार भोजन किया दोबारा उस थाली में भोजन नहीं करते हैं, जिस लड़की को एक बार गले लगाया दोबारा उस लड़की को गले नहीं लगाते, चुपचाप अपने दीवाने रामदास के पास चली जाओ अच्छाई इसी में है, अन्यथा पेड़ की शाखाएं पढ़ने से पहले, पेड़ की शाखाएं पढ़ने से पहले उन शाखाओं का हाथ जुदा कर देता हूँ। जी, अगर जो आपने मुझे अपनी ठकुराई नहीं बनाया तो आपको गांव और मोहल्ले में बदनाम कर दूंगी और बता दूंगी कि मेरी इज्जत लूटने वाले शंकर प्रधान। तेरा हाल किसने किया है? बाल दास, तुमने मेरे पर देर कर दी। क्या कहा? क्या मेरी दशा करने वाले भाई शंकर प्रधान है? क्या कहा? शंकर प्रधान ने तेरा ये हाल किया है? शंकर प्रधान साले, लेकिन तेरा ठीक होना, तेरा ठीक होना बहुत जरूरी है रामदास। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बचना मुश्किल है। नहीं तो तुझे कुछ नहीं होगा। अब मैं नहीं बचूंगी। अरे तू ठीक हो जाएगी, मैं किसके सहारे जीऊंगा? नहीं वो कोई मुझे सामने से पुकार रहा है। आज तूने मेरी नीतू को मार के अच्छा नहीं किया। मैं आ रहा हूँ तेरी हवेली। नीतू, ओ नीतू मुझे रुला के, हाय तू भी चली गई। के सभी रोड़े दूर हो चुके हैं, अब चलते हैं सीधे छोटी लाइन में ट्रेन पकड़ते हैं। बाकल है बढ़िया, तुम चलते हो बाकल है या खाना नहीं लिया बस का। अब एक बोरा ले हवे की सारे के निकाल सारे बोरा में खंड की और डाल बोल। तूने मेरा हरा भरा परिवार रामदास उस दिन तुमसे कहा था
कि नीतू को हाथ से नहीं छीन रहे हो बल्कि नीतू हमारा शिकार है। अरमान पूरे हो गए, अब चलते हैं हत्याहरण। हत्याहरण तुझे मैं पहुंचाऊंगा। भैया रामदास, आज से लहसुन और प्याज कुछ नहीं खाऊंगा। और कर दो हे माफ भैया, कर दो हे माफ भैया, पया पड़ू तुम्हारा, के मारा है। आज मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। चल इसका साले का टकला बना, टकला बना। अभी क्या देखा है साले? क्या पानी लेकर आओ, पानी लिया साले को। उठा उठा साले, बेहोश हो गए हो।
गणेश का टिबुल पटना पर कोई बहादुरी नहीं है शायद तुम्हें नहीं मालूम कोई अपनी मर्जी से डाकू नहीं बनता है उसे बना दिया जाता है सर जानना चाहते हो हम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ मेरा एक हरा भरा परिवार एक मेरा हरा भरा परिवार था उसे जालिमों ने कांच के टुकड़े की तरह बिखोर दिया सर शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे परिवार में तबाही लाने वाला और कोई नहीं वो शंकर प्रधान और कांता बीटीसी मेरा एक हरा भरा परिवार कांच के टुकड़े की तरह बिखोर दिया गया साहब क्यों दीवान ये सच बोलता है क्योंकि इसके भाई को यानी बंसी को शंकर प्रधान ने ही फंसाया और वो 18 साल से उसके यहाँ काम करता था इसी के लिए साले ने उसको ही भी फंसा दिया सर चलो ठीक है कानून का जो दायित्व बनता है मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं सकता लेकिन आपको जेल जाना ही पड़ेगा सर आज मैंने अपने दुश्मनों को खत्म किया शौक से मुझे कारागार में डाल दीजिए जो मुझे सजा देंगे मुझे मंजूर है होकर चले हम पिता